कोरोना संक्रमण के चक्र में सदर तहसील क्षेत्र में 7 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जिसमें पहला रसूलपुर, दूसरा झरना टोला, तीसरा रजही, चौथा चिलुआ ताल में नवापार। बुधवार को 3 हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं, जिसमें पिपराइज में 2 और चिलुआ ताल में 1 परमेश्वरपुर में शामिल है। इन सभी जगहों को शासन के निर्देश अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और गाँव को सील कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति डोर टू डोर की जाएगी। SDM सदर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोरोना के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए 14 दिनों तक हॉटस्पॉट रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, हम करते हैं जैसे आपने बैरिकेडिंग एंट्री एग्जिट ली रहेगा, इंस्पेक्टर साहब सिंगल एंट्री एग्जिट आ जाएंगे, इस रूट पर इस रूट का गया है, इसमें एक है। हां, उधर से घूम के ऐसे आ जा रहे हैं, ऐसे आ जा रहे हैं गांव के बाहर वाला, गांव के लोग इसी से रास्ते हैं सड़क वाले में जाने के लिए। ओके, दूध वगैरह और गांव में हमने क्या किया है कि मुक्ति गेट के आसपास ही 4-5 हमने दुकानें लगवा दी हैं, कोई भी व्यक्ति आए तो वहाँ से ले सकता है। वैसे भी आप कीजिएगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, सब दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन यहाँ टिकट के आसपास आप खुलवा दीजिए, उन लोगों से संपर्क करके लिस्ट बनवा के किसी को चाहिए तो वहाँ से ले सकता है। दूसरा, सैनिटाइजेशन सुबह शाम होगा और जो निगरानी समिति है हमारी, जी सर, हमें वीडियो भी बता दिया है, घर घर जाएंगी, घर घर जाके चस्पा करेंगी। हाँ, जो व्यक्ति बाहर का आया है पिछले दिनों और जो 7 साल से ऊपर है, जिसमें थोड़ा सा लक्षण है, उसको तुरंत आप ले जाइएगा, ठीक है, उसको तुरंत आप क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाके उसको टेस्ट कराएंगे, उसका मास टेस्ट फुल टेस्टिंग होगी उनकी। और लोगों को बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरोग्य समस्या हो तो आप तुरंत बताइएगा, ऐसा ना हो। आप खासकर बेसिकली जनरली क्या है कि आपूर्ति की दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाँव में, किसी को ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमें इसकी वजह से, सील होने की वजह से हमें कुछ सामग्री नहीं मिल पा रही है। मुंबई से 45 लोग चले थे, ठीक है, 25 हमारे गांव के थे, माणा पर उतरे हैं, सब माणा पर से पैदल वो लोग आए हैं विद्यालय पर। विद्यालय पे आते ही उसने कहा कि हम सुबह 9 बजे 15 तारीख को आए हैं, ठीक है, तो उसने कहा कि हमको रास्ते में बुखार, तो हमने कहा कि तुम एक सेपरेट कमरा ले लो, तो ये वाला एक कमरे में उसको सेपरेट करवा दिया, सेपरेट कमरा, हाँ, और बाकी लोगों को फिर अलग करवा दिया, उनको भी दूरी बना के कमरे में 4 लोग, ठीक है। फिर उसको मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, 13 को ही आया, 15 को मैं डॉक्टर साहब को फोन लगाया, डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि आप ब्लॉक पे भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेशेंट हैं और हम अकेले हैं, तो मैं एम्बुलेंस बुलाया और तुरंत भेज दिया, 2 लोगों को भेजा, ठीक है, एक और वो अपने घर पे कॉल कर रहे हैं, अच्छा, अलग से घर है उसका, अच्छा, उसको और इनको 2 अलग अलग एम्बुलेंस बुला के अलग अलग दोनों को भेज दिया, ठीक है, तो कहे कि निगेटिव है, वो आया तो भी हम लोग कहे कि तुम अलग ही रहो, अलग ही रहो, तो अलग कमरे में था। फिर 16 को था, 17 को हम लोग को फिट आउट हुआ, वो कह रहा था हम ठीक हैं, फिर भी हम लोग वापस 17 को एम्बुलेंस बुलाए और भेज दिया, अच्छा, तो बीघा उड़ा कहीं गया तो वहाँ से रात को आए, तो है सेपरेट, वो एकदम सेपरेट ही रहा है। जो रास्ते हैं वहाँ बैरिकेडिंग करवा दीजिए, और जहाँ पे लोग पैदल आ सकते हैं पगडंडियाँ हैं उनको खुलवा दीजिए 10-10 फीट, ताकि कोई लोग आना है, इसको हमें पूरा आइसोलेट करना पड़ेगा 14 दिन तक। कोटेदार से मतलब कितने कोटेदार हैं यहाँ पे? एक कोटेदार है। सप्लाई इंस्पेक्टर से हमारी बात हो गई है, कोटा अब घर घर जाके बटेगा, पिकअप के माध्यम से घर घर जाएगा, कोटे की दुकान पर भीड़ नहीं रहेगी, कोटा घर घर जाके बटेगा, सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से कोटा बट जाएगा। आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं की आपूर्ति जो है, जैसे खाना पीना किराना का सामान, फल सब्जी, इसके लिए क्या कीजिए? अभी शहर में हमारी तहसील सदर में 7 हॉटस्पॉट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो हॉटस्पॉट था हमारा गोरखनाथ में था, रसूलपुर में, दूसरा शाहपुर झरना टोला, और तीसरा रजही, चौथा फिर चिलवा ताल में नवापार था। आज हमें 3 और नए हॉस्पिटल हॉटस्पॉट मिले, जिसमें पिपराइच में महाराजी और उसका, और चिलवा ताल में परमेश्वरपुर, तो 3 हॉटस्पॉट मिले। तो वहाँ पे हमने भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से और शासन के निर्देशानुसार कंटेनमेंट कर दिया गया है, पूरे जोन को बफर जोन बना दिया है, गाँव को सील कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर जाके उनको दिया जाएगा, कोटेदार के माध्यम से राशन वितरण वो भी डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर जाके किया जाएगा, निगरानी समिति के माध्यम से हर घर पे स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, बाहर से जितने भी प्रवासी व्यक्ति आए हैं उन सबके घर पे जा जाके उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, और 60 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी लेकर उनका टेस्ट भी करवाया जा रहा है।
आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, खासकर जो हमारे हॉटस्पॉट में लोग रह रहे हैं, कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एहतियातन तौर पर 14 दिन के लिए किया जाता है ताकि संक्रमण की सारी संभावनाओं को हम निरस्त कर सकें। आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपको नंबर दिए गए हैं। सभी किराना, सब्जी, फल, दूध विक्रेताओं के नंबर आपको उपलब्ध हैं। ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल्स के माध्यम से भी आप डिलीवरी मंगा सकते हैं। और तहसील सदर गोरखपुर जो फेसबुक पेज है, उस पर भी हमने बहुत सारी सुविधाएँ दे रखी हैं, बहुत सारी जानकारी है, तो उसके माध्यम से भी आप बुक कर सकते हैं।